भारत के पड़ोसी मुल्क म्यांमार में इन दिनों बहुत तनाव का माहौल है। बता दें आपको, यहाँ पर बीते दिनों से भयंकर हिंसा भड़क उठी है। दरअसल यहाँ पर रोहिंग्या मुसलमान और सुरक्षा बलों के बीच संघर्ष हुआ, जिसमें अभी तक लगभग 400 लोगों की जान गई है। तो वहीं हिंसा की वजह से म्यांमार में हालात ऐसे हैं कि वहाँ के स्थानीय रोहिंग्या मुस्लिम को अपना घर छोड़कर किसी और मुल्क की शरण लेनी पड़ रही है। इस बारे में जो आंकड़े सामने आए हैं उनकी माने तो अब तक तकरीबन 60,000 रोहिंग्या मुसलमानों ने देश छोड़ दिया है। तो वहीं हिंदुओं के भी कुछ ऐसे ही हालात हैं। बता दें कि इतनी संख्या में लोगों की शरण आने पर बांग्लादेश ने आपत्ति व्यक्त की है और वापस उन्हें उनके देश म्यांमार भेज दिया है। बता दें आपको कि म्यांमार में इस हिंसा की एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कड़ी निंदा की है और उसे अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन करार दिया है। जानकारी दे दें आपको कि म्यांमार बौद्ध बहुल है और यहाँ पर अन्य धर्मों के लिए बहुत कड़े प्रतिबंध हैं। यहाँ कई सालों से रोहिंग्या और बौद्धों के बीच संघर्ष चल रहा है, इसी कारण से यहाँ पर ये हिंसा भड़क उठी है और इस वजह से अन्य धर्मों के लोगों को ये मुल्क छोड़ने पर मजबूर होना पड़ रहा है। SPN 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।